Welcome, welcome, welcome back to the channel, guys. I hope you all are safe and good. Welcome to my 15th vlog, half century, 50th vlog. Yeah, लगा नहीं था 50 vlog हो जाएंगे, लेकिन हो गए. मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा 50 होने में. मुझे लगता है 3-4 साल लगे, ऐसा लग रहा था मुझे 50 vlog करना है, लेकिन हो गए. 1.5 साल में 50 vlog हो गए. क्या बात है. आधे साल, मतलब जितना टाइम सोचा था उतने आधे टाइम में हमने करे. मुझे लगा 3 साल लगेंगे, लेकिन असल में लगा आधा साल, 1.5 साल, आधा, हाफ. यस, 50 व्लॉग्स कंप्लीटेड. वो थैंक यू फॉर कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन. असल में एक्चुअली व्लॉगर हूँ मैं, लेकिन मैं व्लॉग तब करता हूँ जब कहीं कोई ओकेजन में जाना हो या फिर कहीं जाना हो, दूर ट्रैवल वगैरह करना हो, तभी मैं व्लॉग करता हूँ, ऐसे ही. लेकिन लॉकडाउन में पड़े पड़े मैंने सोचा कि यार डेली व्लॉग्स ही शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कुछ करने को तो है नहीं, डेली व्लॉग्स ही करता हूँ. और वैसे मेरा पहले से ही प्लान था, मतलब पहले से मैंने डिसेंबर जाने में प्लान करके रखा था कि जैसे मेरी 12th की एग्जाम ख़त्म होगी मैं डेली व्लॉग शुरू करूँगा. और डेली व्लॉग मैंने शुरू करने नहीं वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने करना शुरू किया. असल में करना कुछ अच्छा था कि डेली व्लॉग्स तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज उतनी होती नहीं थी. हम वेकेशन के टाइम पे पैसे निकल के गोप्रो कैमरा लेने वाले थे. छोटा सा गोप्रो कैमरा आता है ना, वो 1000 के अंदर मिल जाता है, 500-2000 के अंदर मिल जाता है वो कैमरा. सो हम लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो कैमरा आएगा सो हम उसको महीने में एक दो बार यूज़ करेंगे, क्योंकि एक दो वीडियो आएगी, ज़्यादा वीडियो तो आएगी नहीं महीने में. सो सोचा उससे मैं व्लॉग करूँगा, मेरे व्लॉग की थोड़ी क्वालिटी भी बढ़ेगी. लेकिन कैमरा तो ले नहीं पाए. मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज इतनी भी कम नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँ. मेरे फ़ोन की स्टोरेज बहुत है, तो भाई चलो व्लॉग्स करते. मैंने पहले 5 दिन ट्राई करके देखा डेली व्लॉग्स करना, एक हफ्ता मुझे अच्छा रिस्पांस आया, तो मैंने आगे भी शुरू कर लिया. और ये लो आज 50 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए, उसमें से कुछ तो 20 व्लॉग्स ही मेरे ट्रैवल के या फिर कहीं के, लेकिन बाकी के सारे व्लॉग मेरे घर पे बैठ के किए, घर में दिखाए हैं, घर में पूरा व्लॉग किया है मैंने. और मोस्ट ऑफ द अभी व्लॉग ऐसे हुआ है कि मैं व्लॉग होता ही नहीं है. ये होता है ना, अभी टॉक्स वीडियो होते हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजी टेक टॉक्स, एक जगह पे बैठ के फिर कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जैसे ज्ञानी वीडियो बनाते, ज्ञानी 2.0 वो वीडियो बनाते हैं, वैसे हो गया. अभी मेरे व्लॉग्स रहा ही, लेकिन मैं तो अभी व्लॉग्स बोलता हूँ. और इसके व्लॉग बोल सकते हैं, उसमें क्या है, मुंबई का जिक्र ऐसा व्लॉग बहुत बार किए, किंग ऑफ द व्लॉग है वो, इंडिया का नंबर वन व्लॉगर है, उसने भी बहुत बार ऐसा किया, एक जगह पे बैठ के सिर्फ बोल रहा है 10 मिनट, हो गया व्लॉग ख़त्म, बस वैसे ही तो था. सो अब नज़र मारते हैं मेरे कुछ स्पेशल व्लॉग्स पे. सबसे पहला व्लॉग था मेरा ये मेरा व्लॉग्स में सबसे पहले क्या था, जब मैं क्रेजी बंदी जाना हमने नया नया शुरू किया था, एक महीना भी डिक से उसको हुआ नहीं था, सिर्फ हमारी एक वीडियो अपलोड हुई थी क्रेजी बंदी चैनल पे. सो मैंने सोचा कि यार बिहाइंड द सीन्स वगैरह बनाते ना, बराबर बिहाइंड द सीन्स वगैरह बनाते मज़ा आएगा. सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो बनाते कोई ना कोई वीडियोस का. तो वीडियो हमने बनाई, तो उस दिन मैंने व्लॉग भी किया, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स रहा ही नहीं व्लॉग्स का, व्लॉग में वो बिहाइंड द सीन आया ही नहीं. मतलब ऐसे मैंने दिखाया कि यार वीडियो शूट करें, वीडियो ख़त्म, चलो बाय बाय, ऐसा हुआ. दूसरी बार मैंने व्लॉग करने का ट्राई किया था न्यू ईयर का व्लॉग, लेकिन वो भी हो नहीं पाया, वो व्लॉग हो ही नहीं पाया, वो एडिट ही नहीं हुआ. मुझे बहुत असल मैंने फर्स्ट मेरा व्लॉग मैंने दिसंबर के 25 से 30 के बीच अपलोड किया था 2018 में, लेकिन मैं असल में करने वाला था नवंबर में. मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग ट्राई किया था जब मैं जेजुरी गया था, अपनी फैमिली की ट्रिप थी, तभी जेजुरी गया था, तो मैंने व्लॉग करने का ट्राई किया था. तब मैं आने के बाद व्लॉग भी हो गया था मेरा पूरा, मैं एडिट करने के लिए बैठ गया था, लेकिन मैंने वैसे व्लॉग एडिट नहीं करता. उस टाइम प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुझे एडिटिंग ऐप्स के बारे में इतना मालूम नहीं था. ऐसा होता था कि व्लॉग करता था बीच में बैक बटन दब जाता था, पूरा बैक तो मेन मेन्यू बैठ जाता, मुझे लगता था अभी गई वीडियो वापस तो नहीं हो सकती, तो वापस से शुरू करनी पड़ी. ऐसा बहुत बार होता था, हर बार होता रहा, वीडियो एंड तक आएगी, अरे यार बाद में पता चला कि कुछ महीनों बाद पता चला कि यार वो सेव में होती है, सेव सेक्शन में होती है वो वीडियो. यार मेरा दिमाग सनका, मेरा सबसे बड़ा व्लॉग नवंबर में आने वाला था, लेकिन वो आया दिसंबर में. नो प्रॉब्लम, मैंने सोचा कि अगले साल करेंगे, लेकिन अगले साल हो नहीं पाया, इस साल भी नहीं हो पाएगा, उसके अगले साल में पक्का जेजुरी का जो ब्लॉग बनाऊंगा वही ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा, वही ब्लॉग बनाऊंगा. सेकेंड पार्ट हो सकता था, लेकिन फर्स्ट पार्ट होगा. ओके,
सो सेकेंड व्लॉग मेरा सीधा आया 1 मई 2019 को, जब 1 मई 2019 को मैंने व्लॉग किया, 2 मई 2019 को मेरा व्लॉग वो आया था। उसके पहले मैंने व्लॉग करने को ट्राई किया था 2 बार, लेकिन वो हो नहीं पाया मेरा। सो उस दिन मैंने व्लॉग किया, हमारी कलवा की जतरा दी जतरा दिया उस व्लॉग में दिखाया। दूसरी बार मैंने जब व्लॉग किया था वो था नारियली पूर्णिमा का व्लॉग, 2019 में किया था, अगस्त महीने में। नारियली पूर्णिमा एक फेस्टिवल है, जिस व्लॉग के बारे में अगर आपको जानना है इस फेस्टिवल के बारे में, तो मैंने उस मेरे ब्लॉग में बोला है। उस ब्लॉग का अभी 1 साल हो जाए, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। सो उस ब्लॉग में मैंने पूरा डिटेल सब कुछ बता दिया, तो पता चल जाएगा। दूसरी बात ये थी कि मेरा 4th व्लॉग आने वाला था, आई मीन कभी दही हंडी का आने वाला था, लेकिन उस दिन मुझे बुखार चढ़ गया दही हंडी के दिन, तो मैं दही हंडी खेलने गया तो व्लॉग भी हुआ नहीं, तो व्लॉग तो नहीं हो पाया, जाने दो। फिर नेक्स्ट व्लॉग था मेरा गणपति का, गणपति आगमन का मेरा 4th व्लॉग था, वो मेरे चैनल पे वो 4th व्लॉग था, गणपति लेके आए थे उसका। सो गणपति का आगमन व्लॉग हुआ। फिर 5th व्लॉग किया गणपति के बीच में, एक दिन में डोगरी चला गया था मेरे आत्या के घर पे, जिनके घर पे गणपति बैठे हैं, तो उनके घर पे चला गया था। और फिर डोगरी के राजा का भी दर्शन किया वहाँ पर, बाजू में उनके घर बिल्डिंग में बैठे डोगरी का राजा। सो वहाँ पर गए थे, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था अनूप। बहुत टाइम, मतलब बहुत से व्लॉग ऐसे जिसमें मेरे, मतलब बहुत ही कम व्लॉग अभी नहीं, बहुत सारे व्लॉग में जिसमें अनूप है ही नहीं, अभी हो गया ऐसा, क्योंकि 50 व्लॉग्स में से कुछ ही व्लॉग में अनूप था। बाद में बात करते हैं। बाद में मेरा नेक्स्ट व्लॉग था गणपति विसर्जन का व्लॉग, तो विसर्जन किया था उसका व्लॉग किया था हमने मैंने। फिर दूसरा था व्लॉग, मतलब अभी टोटल कितने हो गए, 6 व्लॉग्स हो गए। 7वां व्लॉग था मेरा देवी आगमन का, जो नवरात्रि में हम देवी लाते, सो देवी आगमन का व्लॉग बनाया था मैंने, 7वां व्लॉग मेरा। और फिर 8वां व्लॉग था देवी विसर्जन का, वो पूरा नहीं हो सका, मतलब मैंने अपलोड कर दिया था वो। फिर 9th व्लॉग मेरा, 9th व्लॉग है दिवाली के दिन, जिस व्लॉग के बारे में आप सबको मालूम है, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे रिलेटिव ने उस व्लॉग को मजाक उड़ाया था, छोड़ दो उस बात को। फिर मेरा 10वां व्लॉग आया, 10th व्लॉग आया था जनवरी के, आई मीन सो 29 2020 जनवरी को, मतलब इसी साल जनवरी में आया था फर्स्ट, मतलब 10th व्लॉग मेरा जो था थाना फेस्ट का, थाना फेस्ट का मैंने व्लॉग किया था। और उसके एक महीने पहले मेरे ब्लॉगिंग चैनल को 1 साल हो गया था। मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैं भूल गया मेरे ब्लॉगिंग चैनल को 1 साल हो गया, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ 2 महीने बाद कि मेरे ब्लॉगिंग चैनल को 1 साल हो गया, मुझे याद ही नहीं था। मैं असल में एक्साइटमेंट में था, क्योंकि मेरे क्रेजी बंदी चैनल को 1 साल हो गया था उस टाइम, और वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन ब्लॉगिंग चैनल को भूल गया था। और एक्चुअली अगस्त 2019 में मेरे गेमिंग चैनल को 1 साल हो गया था, तो सबसे पहले मेरे गेमिंग चैनल को 1 साल हो गया मुझे ही मालूम, क्योंकि गेमिंग से मैं असल में तभी गेमिंग पे इतना नहीं था फोकस्ड, इतना भी गेमिंग के अंदर नहीं था, इसलिए मुझे इतना याद नहीं है। बाद में मेरा 11th व्लॉग था, सीधा मार्च में गया था मैंने, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, महाबलेश्वर। 4 व्लॉग कंटिन्यू, मतलब 11 12 13 14 14 व्लॉग, मतलब मेरे 14 व्लॉग तो ऐसे टाइम पास में बनाए। और बाकी के जो व्लॉग्स थे, मतलब देखा जाए तो मेरे 36 व्लॉग्स घर पे बैठे बैठे मैंने 36 व्लॉग्स बना दिया, और 14 व्लॉग्स मैंने बाहर जाके बनाया, मतलब कितना डिफरेंस आ गया, यू कैन सी। होता है ऐसा होता है। सो यही था, मैंने 10 मिनट बात कर लिया। अब बात करते अनूप कितनी बार मेरे व्लॉग्स में, अनूप सबसे पहले मेरे व्लॉग में आया था, ये 1st व्लॉग में था, 2nd व्लॉग में भी था, 3rd व्लॉग में भी था, 4th व्लॉग में अनूप नहीं था, 5th व्लॉग में अनूप था, तो 4 बार हो गया। 6th व्लॉग में भी नहीं था, 7th व्लॉग में नहीं था, 8th व्लॉग में भी नहीं था, 10th व्लॉग में था, 5 हो गए, 11th में था क्या वो याद नहीं आ रहा, नहीं 11th व्लॉग में नहीं था, 5 हो गए, 12th 13th 14th 15th, टोटल 9 10 11 11 व्लॉग्स में अनूप मेरे साथ था यार। 50 में सिर्फ 11 व्लॉग्स में, मतलब एक टाइम ऐसा था कि कुछ महीने पहले ऐसा टाइम था कि कुछ ही व्लॉग्स जिसमें अनूप था, अनूप नहीं था उस व्लॉग्स में, लेकिन अभी ऐसा हो गया बहुत सारे व्लॉग्स में, कुछ ही व्लॉग्स में अनूप है ऐसा हो गया अभी।
अनुप को मेरे व्लॉग्स में आने को बहुत मज़ा आता था, पर अभी वो आ नहीं पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं यार, आज ही व्लॉग में वापस अनुप का आगमन हो गया, क्योंकि मैंने नाम भी इतनी बन लिया। 50 व्लॉग्स तक मज़ा आया, आपने सपोर्ट किया, इसीलिए 50 व्लॉग्स कर पाया मैं। मैं जब भी इंस्टा लाइव करता हूँ, कि कभी भी मुझे इंस्टा पे कभी भी मेरे चैनल के बारे में डालता हूँ, कुछ भी करता हूँ मेरे किसी भी चैनल के बारे में, मुझे एक ना एक एक दो कमेंट जैसे आए थे, ब्रो यू आर द बेस्ट, मस्त कर रहे, तो कीप इट अप करते रहे, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। कल मेरे जितने भी मेरे व्लॉग्स मेरे देखते हैं उनका नाम मैं ले लिया था, एक नाम भूल गया था मैं, मेरे शैलेश सर, मेरे क्लास के शैलेश सर है, जिनके बेटे के साथ मैंने कोलैब किया था पिछले साल, अतिदेव वो क्रेजी बंदी की वीडियो है, उसमें है कोलेबोरेशन वीडियो। सो थैंक यू टू ऑल फॉर द सपोर्टिंग मी, यस थैंक यू। तो मैं 10 मिनट यहीं पर बल के हो गया, होप करता हूँ कि मैं 100 व्लॉग्स भी कर पाऊँ, और एक करूँगा मैं, बस मैं 100 सब्सक्राइबर कर दे यार, यार मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरे व्लॉग हो जाएंगे यार, कुछ करो, क्या कर रहे हो तुम, हाँ अभी करता हूँ, एक व्लॉग पे 5 सब्सक्राइबर होने चाहिए, एक व्लॉग 5 सब्सक्राइबर, क्या मांग रहे हो। चलो एट दी एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, 100 करो सब्सक्राइबर, अरे कर दो ना यार, 68 पे अड़के हुए हैं, कितना शेयर करो चैनल को मैं, हाँ एट दी एंड से गुड, डू गुड, नेवर गिव अप, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।